हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का पेपर करने वाले हैं। 2015 के पेपर में एमकॉम सेम टू कॉस्टिंग वन इज ईयर, ये सम क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। एबीसी कॉस्टिंग का एक सम है ज्योति लिमिटेड। सो ज्योति लिमिटेड हमको क्या बताता है, क्या नहीं, किस तरह से इसके अंदर हमको करना है इसके अंदर, तो वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो ज्योति लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सेम मशीनरी एंड सिमिलर प्रोसेस। ओके, द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ आर एज फॉलोज। एक्स एंड वाई टू प्रोडक्ट्स आर देयर, यूनिट्स आर गिवन, मशीन आवर्स पर यूनिट इज गिवन, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स, नंबर ऑफ सेटअप्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन, एंड देन अदर एक्टिविटीज़ आर गिवन फॉर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड एट लास्ट हियर ऑन द नेक्स्ट पेज ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर वर्स। इट मीन्स फॉर द ट्रेडिशनल मेथड दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इन दैट इट इज सेड दैट ओवर हेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। की ओवर हेड्स हमको जो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है, स्टेप वन, दैट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स, नॉट ऑन द मशीन आवर्स। प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। हियर वी हैव टू शो द पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑल्सो। एज पर द कन्वेंशनल इट मीन्स ट्रेडिशनल मैथड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट मीन्स ए बी सी मैथड, दोनों मैथड के बेस पर हमको इसको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर सम। सो मैथड वन, ट्रेडिशनल मैथड। ट्रेडिशनल मैथड का दूसरा नाम इन लोगों ने यहाँ यूज़ किया है कन्वेंशनल मैथड। सो इन दिस मैथड अवर स्टेप वन विल बी ओवर हेड पर लेबर आवर, बिकॉज इन द सम इट इज notified us, okay, overhead per labor hour। सबसे पहले हमको total overhead, तो यहाँ हमको साफ साफ लिख कर दे दिया है कि 1,520,000 टोटल। formula लिख देते हैं total overhead divided by total labor hours, total labor hours। so total overheads are given 1,520,000, so we'll write down here 1,520,000। Now go for the labor hours, directly labor hours are not going to be have read the question, read the information, so direct labor hours are given but per unit, so we have to find out the labor hours for product X and for product Y। product X के लिए हम कैसे बनेंगे, units को multiply करेंगे hours से, because per unit is given, so 15,000 multiply with 3 you will get 45,000, again 10,000 into 5, 50,000, so how much will get there, 95, 45 plus 50,000, it means 45 and 50, 95 hours will be there in all, so we'll divide here by total hours are about 95,000, and we have to calculate that 1,520,000 will be divided by 95, 16 is there, so 16 rupees per hour। Now what total cost, so how can cost be calculated, particulars, products X and Y, first of all direct material, then direct wages, after then overhead। सो डायरेक्ट मटेरियल हियर गिवन, तो डायरेक्ट मटेरियल इट मीन्स मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन 100 into 200, तो 100 into 15,000, बिकॉज पर यूनिट इज गिवन, सो इट विल बी मल्टीप्लाई, पर यूनिट इज गिवन देन मल्टीप्लाई विद यूनिट्स, सो 100 into 15,000 यूनिट्स आर गिवन देयर, सो 15 into 15 lakhs, then 200 into 10,000, 20 lakhs will be there। Now what, wages,
वेजेस के लिए आवर्स, आवर्स हमारे पास वहाँ है 45,000 एंड 50,000। आवर्स के लिए मल्टीप्लाई हमको लेबर कॉस्ट से करना पड़ेगा, ओ देर दैट इज़ डायरेक्टली गिवन पर यूनिट 60 एंड 40, सो नॉट नीड टू डू दिस। आवर्स 60 एंड 100 पर यूनिट इज़ गिवन, सो पर यूनिट हमारे पास में यूनिट्स 15,000 मल्टीप्लाई विद 60 5 15 6 90 1 2 3 4 1 2 3 4, सो 9 lakhs विल बी देयर एंड हियर द यूनिट्स आर 10,000 बट द कॉस्ट इज गिवन लेबर कॉस्ट 100 rupees पर यूनिट, सो 100 विल बी देयर एंड 10 lakhs। नाउ ओवरहेड्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा ओवरहेड्स के लिए, बिकॉज ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन द आवर्स। ओवरहेड का कॉस्ट हमको पता ही रहा और आवर्स हमको पता है, दोनों ये रहे। सो 45,000 मल्टीप्लाई विद 16 एंड 50,000 मल्टीप्लाई विद 16, 16 5 80, सो 80 के पीछे 4 0 8 lakhs, ये करना पड़ेगा 45,000 इंटू 16 7 lakh 20,000, 15 24 27 24 and 7 24 plus 7 31 lakh 20,000 एंड हियर 20 30 38। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट इज हियर टोटल कॉस्ट, बट डिवाइड बाई यूनिट्स, डिवाइड बाई यूनिट्स, यूनिट्स आर 15 एंड 10,000, सो हाउ मच विल गेट देयर 10,000, सो 40 विल बी कट एंड 380 विल बी देयर, बट हियर वी हैव टू कैलकुलेट 31 लाख 20,000 डिवाइड बाई 15,000, सो हाउ मच विल गेट देयर 208, सो राइट डाउन 208, दैट इज अवर कॉस्ट पर यूनिट। ओके ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हुआ अभी, लेकिन एबीसी कॉस्टिंग अभी बाकी है, सम पूरा नहीं हुआ है, सम का हाफ 50% कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर हमारा, सो ट्रेडिशनल मेथड हैज़ बीन डन। नाउ विल गो फॉर द एबीसी कॉस्टिंग, सो एबीसी कॉस्टिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो लेट्स चेक दैट एबीसी मेथड यहाँ पर अप्लाई करनी है हमको। सो एबीसी के अंदर हमको क्या करना है, स्टेप वन हमारा होता है ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करना। ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स है, कॉस्ट है वो होने चाहिए, तो रिलेटेड टू वॉल्यूम, मशीन एक्टिविटी, मशीन एक्टिविटी, आफ्टर देन परचेस, परचेस ऑर्डर्स एंड द नंबर ऑफ सेटिंग अप, आफ्टर देन रेशियो, रेशियो विल बी गिवन एंड देन टोटल एंड डिवाइड दैट इन द रेशियो एक्स एंड वाई टू प्रोडक्ट्स, बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। वॉल्यूम के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वॉल्यूम इट मीन्स यूनिट्स, वॉल्यूम के लिए ड्राइवर क्या हमारा यूनिट, या कॉस्ट ड्राइवर्स लिखे हैं ये, जस्ट इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन हमको माइंड में होना चाहिए यूनिट्स। तो यूनिट्स है 15 और 10, तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, सो 3:2 वॉल्यूम के लिए। नाउ मशीन एक्टिविटी के लिए मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 6 90 एंड 10 3 30, सो 90 और 30 का रेशियो होगा हमारा 3 3 9 एंड 3 1 3। नाउ परचेस ऑर्डर्स, परचेस ऑर्डर्स के लिए दिया हुआ डायरेक्टली 15 100, सो 2:1। नंबर ऑफ सेटअप्स के लिए दिया हुआ है 1 3:1। नाउ टोटल, टोटल आर गिवन 50 3 लाख 50,000, 9 लाख 60,000, 90,000 एंड 1 लाख 20,000। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इन द गिवन रेशियो। नाउ रेशियो इज गिवन, सो वी कैन मल्टीप्लाई दैट, सो 3 इंटू 5 रेशियो में अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले रेशियो का टोटल हमको पता होना चाहिए, 3 इंटू 5, 3 लाख 50,000 विल बी डिवाइडेड बाई 5,
इंटू थ्री इंटू, तो 3 7 जै 21 एंड 3 2 जै 6, 7 2 सॉरी 3,50,000 डिवाइड बाई 3 2 जै 5 इंटू 3 इंटू 2, सो 1,40,000 विल बी देयर। नाउ 960 रेशियो हमारा कितना, 3:1, इट मीन्स 4 विल बी टोटल। सो 9,60,000 डिवाइड बाई 4, सो 2,40,000 वन की जगह पर आ जाएगा, और 4 3 जै 72, 24 3 जै, सो दैट विल बी देयर। एंड 2 एंड 1 3, 3 3 जै 90 एंड 60, टोटल भी 6,390। नाउ 3 एंड 1 4, 4 3 जै 12, 30,000 एंड 3 3 जै 9 10,000, टोटल विल बी 120। नाउ टोटल ओवर हेड्स वी कैन कैलकुलेट हियर, 60 60 एंड 2,40,000 इट मीन्स 3 लैक्स, 4,40,000, 7 2 9, हियर वी हैव टू कैलकुलेट, 720 60 90 150, सो 10,80,000। नाउ व्हाट कॉस्ट, सो कॉस्ट के लिए हम करेंगे पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई, सो डायरेक्ट मटेरियल पीछे से कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस कॉपी कर सकते हैं, बट ओवरहेड्स ऊपर से लिखना, ध्यान रखना। सो मटेरियल हमारे पास है पीछे दिया, 15 लाख, 20 लाख, 9 लाख, 10 लाख, वो हम पीछे से लिख देंगे, मटेरियल एंड वेजेस 15 लाख, 20 लाख, 9 लाख एंड 10 लाख्स, बट ओवरहेड्स एज पर आवर कैलकुलेशन 10,80,000 एंड 4,40,000। ये जो हमने कैलकुलेशन की है वही हमको यहाँ लिखनी है, बिकॉज ये कैलकुलेशन किसकी थी, ओवरहेड्स के लिए थी, सो ओवरहेड्स विल बी रिटर्न फ्रॉम देयर, 15 एंड 10, 25 9, 34,80,000 विल बी देयर। नेक्स्ट दिस साइड 20 30, 34,40,000 विल बी देयर। नाउ दिस इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाई यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, सो नंबर ऑफ यूनिट्स आर 15 एंड 10, सो डिवाइड बाई 15,000 एंड 10,000, हाउ मच विल गेट हियर, 4040 कट, 344 विल बी देयर, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, बट दिस वी हैव टू डिवाइड, 34,80,000 डिवाइड बाई 15,000, सो 232 विल बी देयर। ओके सो द सम इज ओवर नाउ, दिस इज अवर ए बी सी कॉस्टिंग, ए बी सी मैथड, देर आर नो प्रॉब्लम इन दिस मैथड एंड दिस मैथड टू। ओके नाउ यू कैन सी